अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बिज़ी थी, थोड़ा आउट ऑफ सिटी गई थी। तो आज मैं बना रही हूँ पालक के पराठे, और इसमें मैंने बॉयल हुई हुई पालक, ग्रीन चिली और बाकी जो बेसिक स्पाइस इसमें हम डालेंगे, और जो है थोड़ा इसमें मैं डालूँगी गार्लिक जिंजर का पेस्ट, और जो है कि थोड़ी सी हाफ से भी थोड़ी सी प्याज डालूँगी छोटी वाली, और अजवाइन जाएगी इसमें, और इसको मैं जो है ना स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर दूँगी, और थोड़े से साबुत धनिया भी इसमें ऐड होंगे, और उसके बाद बस ग्राइंड करना है। मैंने मेथी भी ऐड कर दी, तो ये हमारा मिक्सचर बनेगा। इसी के साथ में जो है आटा गूंदूंगी, और जो है कि इस तरह के इसको बिल्कुल इस तरह ब्लेंड करना है जैसे हमें आटे में पानी के बजाय हम ये वाला पालक का पेस्ट ऐड करके इसके साथ हम आटा गूंदेंगे। तो इसको इतना बारीक करना है कि ये पानी की तरह ही हो जाए तकरीबन। तो ये इस तरह से ये इसमें मैं ऐड करती जाऊंगी और आटा गूंद लूंगी, क्योंकि आटे में मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस ये इसी के साथ मैंने गूंद लिया मिक्सचर के साथ। उसके बाद हम अब पराठे बनाएंगे इसके। तो देसी घी के साथ मैंने ये बनाए हैं, आप इसको रायते के साथ या किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं। तो बस ये पराठे रेडी हो गए, मैंने इतने ज़्यादा नहीं बनाए, और क्योंकि मैं थी और मैंने अपनी सास को भेजा और जावियान को भी खिलाने की कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर है पालक तो आयरन है और जो है कि ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। तो दिन में ज़्यादातर हम खाते हैं, रात को तो एसिडिटी होती है। तो मैंने दिन में बनाए ये पराठे, और जो है कि इसके साथ मेरे पास केरियाँ, आपको बताया था मैं फ्रोज़न रखती हूँ, तो इसके साथ मैंने केरी भी फ्राई की, और जो है कि ग्रीन मसाले की चटनी भी बनाई। तो ये देखिए आराम से रोटी बेल रही थी, आराम से पक रही थी, कोई इशू नहीं था कि टूटेगी। अच्छा फिलिंग वाले भी होते हैं, बट मैं फिलिंग वाले मुझसे नहीं बनते, ना आलू के पराठे ना कुछ और। तो ये देखिए इस तरह से ये पराठे रेडी हो गए, और मेरे घर फ्रेश वेजिटेबल्स आई थी, तो हरा धनिया पुदीना भी बहुत ही फ्रेश फ्रेश था, तो मैंने उसके साथ चटनी बना ली, तो उसके साथ हमने वो खाई थी। ये छोटू सा पराठा मोहम्मद जावियान का है, हस्बैंड थे नहीं घर में, तो ये अम्मा के पास भेजना था मैंने चटनी के साथ। तो ये हैं ग्रीन पराठे। आपके साथ मैं रेड पराठों की भी रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनते हैं बीट रूट से, तो एक दिन इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये हमारी चटनी भी हो गई रेडी, इसमें मैंने डाला है मिंट और ग्रीन चिलीज़, हरा धनिया और अनारदाना, गार्लिक जिंजर, नमक। और रात के खाने में आज मैंने बनाया था स्टीम रोस्ट विथ फ्राइज़, चटनी और सैलड, आज मैंने ये खाया, क्योंकि हस्बैंड नहीं होते तो मैं लाइट सा खाना बनाती हूँ। और उसके बाद जी मोहम्मद जावियान को चॉकलेट केक खाना था, तो आज मैंने जो है कि चॉकलेट गनाश केक बनाया, वो भी ब्लेंडर में बनाया, और ब्लेंडर में मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो मुझे ज़्यादातर जो मैं बीटर के साथ बनाती हूँ ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये क्विक होता है, उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट मुझे मैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। फिर मैंने कहा आज आपके साथ व्लॉग में ब्लेंडर के साथ भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये बाकी सारी तो मैंने आपके साथ केक की जो है कि बेसिक जो भी इन्ग्रीडियंट्स हैं मैंने शेयर किए स्पंज बनाने के लिए। तो बस ये अंडे की सफ़ेदी मैंने इसमें ऐड कर दी, जर्दी अलग कर दी, और इसमें मैं चीनी ऐड की और ब्लेंडर से इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया। जैसे ये थोड़ा सा फॉर्मिंग कंसिस्टेंसी में आ गया, तो इसमें मैंने बाकी के जो भी थे इंग्रेडिएंट्स वो ऐड किए। तो इसमें जो है ना स्पंज वैसे ही बनेगा, मैंने दो तीन व्लॉग में आपके साथ केक की रेसिपी शेयर की है, मैंने वैसा ही सेम स्पंज बनाया है, और जो है कि वो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस इसकी जो गनाश बनाऊंगी मैं आपको गनाश ज़रूर आपको दिखाऊंगी। इसमें जो है ना एग योक डाला मैंने जब फॉर्म बन गया वाइट का, उसके बाद ऑयल, मिल्क और वनीला एसेंस डाल के अच्छे से ब्लेंड कर दिया इसको, और बस ये मिक्स करना है, और ये बन गया हमारा स्पंज का बेटर। और उसके बाद जो है कि बस इसको बेक करेंगे, और मैं आपको पता है मैं जो है कि पतीले में ही करती हूँ बेक, तो इस तरह से बस ये ऐड किया और इसको टैप टैप करना है ताकि एयर बबल रिमूव हो जाए। और ये रहा हमारा पतीला, और इसमें हम रखेंगे 35 to 40 मिनट्स, और ये हमारा रेडी हो गया स्पंज अच्छा सा। और जो है मेरा ब्लेंडर के साथ इतना स्पंज नहीं बनता फुला हुआ जितना मेरा बीट करती हूँ बीटर वाला, वो मैं ज़्यादा उसी को तभी आपको कह रही हूँ प्रेफरेंस देती हूँ। और अब हम बनाएंगे गनाश, और इसमें मैंने डाल दी विप क्रीम
और थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया, और ये डार्क चॉकलेट और जो है कि मिल्क चॉकलेट दोनों मिक्स करके मैंने काट के रखे हैं। बस थोड़ा सा क्रीम जो है एक बॉयल आएगा तो उसमें हम चॉकलेट ऐड कर देंगे, और वनीला एसेंस अभी मैंने 2 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर दिए। तो ये वही विप क्रीम है जो हम जिसके साथ हम फ्रॉस्टिंग बनाते हैं। तो इसको इतना गर्म करना है बस कि जैसे चॉकलेट मेल्ट हो जाए। स्पॉन्ज को मैंने 2 लेयर्स में कट कर दिया, 3 में बल्कि, और जो है कि ये देखिए कितना अच्छा और सॉफ्ट स्पॉन्ज बना है। ये देखिए इसमें मैंने बस चूल्हे से उतार दिया जैसे इसको एक बॉयल आया, और इसमें मैंने चॉकलेट डाल दिया है। अब इस जैसे जैसे ये चॉकलेट मेल्ट होता जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा गनाश। केक को सोक करने के लिए कोको पाउडर और जो है कि शुगर का ये मैंने पानी बनाया है, पानी में थोड़ा सा हल करके। और ये देखिए मैं इस पे लेयर्स लगा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता से, जावयान जो है ना मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं करने दे रहा था। तो ये फाइनल कोटिंग इसकी रखी है क्योंकि इसको मैं लगा के फ्रिज में रख रही थी, गर्मी बहुत है ना तो वो मेल्ट हो रही थी क्रीम। तो ये बस फाइनल कोट है, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरी मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई। तो एक कोट मैंने लगा के सारा असेंबल करके और रख दिया था फ्रिज में, उसके बाद ये फाइनल कोट है। और ये एयर बबल एक दो आ गए, इसको मैं बस्ट करूँगी इस टूथपिक से। तो बस ये हमारा हो गया केक रेडी। बस इसको ऊपर से थोड़ी सी चॉकलेट्स वगैरह जो भी डेकोर करने के लिए जावयान के मैंने वो स्माइलीज जमाए थे ना, तो वही मेरे काम आ गए ये वाले। वो कह रहा था ये मेरे हैं, मैंने कहा चलो केक भी आप ही का है। तो ये मैंने इसके ये निकाल के और इस पर इस तरह से लगा के थोड़े से स्प्रिंकल्स कर दिए, और ये हमारा चॉकलेट गनाश केक रेडी है। और बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना था, आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह आपको इसका टेस्ट लगा।